नमस्कार साथियों, मैं प्रभात आप सभी का आपके अपने ही चैनल श्रीवास्तव वर्ल्ड में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे आधुनिक युग, लोग कह रहे हैं किसवीं शताब्दी में चलेगा आधुनिक आ गया, अपने पेरेंट्स बच्चे अपने पेरेंट्स को ये बोलते हैं कि पापा आप नहीं समझ सकते हो, या जो भी उनके हैं तो सो आप नहीं समझ सकते हो। क्या बदला है? सिर्फ दिखावा बदला है, बाकी सारी चीज़ वही है। आज भी हम ऑक्सीजन ले ही रहे हैं, आज भी खाने में चावल रोटी दाल भात सब्जी यही खाना खा रहे हैं, ना कि उस चीज़ को चेंज कर दिए। कपड़ा भी हम पहन रहे हैं, यही हो गया कि थोड़ा सा मॉडर्नाइज हो गया है, लेकिन प्यार जो है वो सबसे बेकार हो गया है। प्यार का सोच सबसे बेकार हो गया है। इसका कारण है कि ये एक स्टेटस सिंबल बन गया है। आज की डेट में आप देखेंगे तो 75% जो प्यार का दिखावा, प्यार जो दिखने को मिलेगा वो बड़े लोगों में मिलेगा, जिनकी जिनके पेरेंट्स दो नंबर की कमाई करते हों या जिनका आय का स्रोत बहुत अच्छा हो। जो लो लेवल के होंगे उनका प्यार पहुँच तो जाता है, लेकिन पारिवारिक अड़ंगा, सामाजिक अड़ंगा और पैसे की कमी के कारण कहीं डगमगा भी जाती है। तो आज प्यार जो है वो एक लालसा बन गया है, एक स्टेटस सिंबल बन गया है। हर लड़की ये देखती है कि लड़का पैसा खर्च कर सकता है कि नहीं, उसे कहीं घुमाने ले जा रहा है कि नहीं। लड़कियाँ भी तरह तरह के बहाना बना के आती हैं, तो गार्जियन भी इसमें दोष हैं। और इस प्यार का कोई मुकाम नहीं होता, यहाँ सिर्फ सेक्स और भावना, सेक्स के साथ शरीर के साथ खिलवाड़ किया जाता है और ज़िंदगी आत्मों से जी जाती है। नतीजा यह होता है कि जब फिर उनका विवाह होता है तो बड़ा दर्दनाक झेलना पड़ता है। इस स्थिति पर चर्चा करना ही क्यों, जो फिर कभी करेंगे। तो प्यार को मजाक बना के रख दिया गया है, प्यार को एक स्टेटस सिंबल बना के रख दिया गया है, प्यार को पैसों से तोला जा रहा है। और वेयर देयर इज़ द कॉज बिहाइंड द लव, इट्स टोटली लस्ट, नथिंग एल्स। जहाँ कहीं भी प्यार के पीछे कोई कारण हो, चाहत के पीछे कोई कारण हो, तो यह एक अभिलाषा हो गई, यह एक उपयोग की वस्तु हो गई, यह एक दिखावे का सामान हो गया। चूँकि अभी ऐसा ही माहौल है और आधुनिक युग में ऐसा ही हमें देखने को मिल रहा है, हमने भी कई युग में देखा है। आज की ही घटना है, मैं आ रहा था दूर से बाहर, दो एक लड़के एक लड़की निकले, पहनावे उनावे रंग रूप सूरत से बहुत अच्छे करके लग रहे थे, और ऑटो में ही वो एक दूसरे के शरीर से छेड़छाड़ कर रहे थे। कहाँ रह जाएगा यहाँ प्यार? तो मेरा युवा बंधुओं से और सभी युवती और युवकों से ये नम्र निवेदन है कि प्यार की पवित्रता को समझें, प्यार की गहराई को समझें, प्यार को समझें और अपने रिश्ते को पाक बनाए, अपने रिश्ते को एक मधुर बनाए, अपने रिश्ते को एक मुकाम दे, अपने रिश्ते को एक नाम दे, ना कि इसे बदनाम करें। और आने वाली पीढ़ी आज तक यही कारण है कि प्यार को ना तो सामाजिक रूप से मान्यता मिल पाया, ना पारिवारिक रूप से मान्यता मिल पाया है। अब जैसे जैसे आधुनिक युग आएंगी, जैसे जैसे यह बढ़ते चले जाए, एक्चुअली पश्चिमी सभ्यता को, जबकि पश्चिमी सभ्यता का कोई प्रीफेस, कोई भी भूमिका हमारे यहाँ मौजूद नहीं है, न तो हमारे बाप दादा, ना ही हमारे पूर्वज, ना ही हमने पीछे कभी इस तरह का माहौल देखा है, ना वैसा कोई प्रीफेस बन गया है। वो तो सडनली जो है वो चेंज हो गया यूट्यूब के कारण, सडनली जो है फेसबुक के कारण, आदि अनेक नए उपकरणों के कारण जो है वो सिर्फ हमने देखा। हमारे यहाँ उस तरह कोई कल्चर नहीं है, ना हमारे पीछे कोई है, हमने देखा और हम उस ओर चल पड़े, तो इसकी नतीजा भयानक होगी। इस चीज़ को ना केवल लड़के लड़कियों को, युवक युवतियों को, प्रेमी युगल को, नवदंपति को, बल्कि पेरेंट्स को भी सतर्कपूर्वक सोचना होगा और सोच करके इस पर कदम उठाना होगा, तभी समस्या का समाधान है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं टॉपिकों को आगे जारी रखते हुए, किसी और विषय पर बात करते हुए, लेकिन प्यार पवित्र है और इसे पवित्र ही रहने दें, अपवित्र न बनाएं। लव यू ऑल।
स्प्रेड द लव, लव इज पियस, कीप इट पियस।